जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एडजी और इस वीडियो में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं जो लोग 2019 में देने जा रहे हैं प्री का एग्ज़ाम। देखिए मैंने ट्रिक्स का वीडियो डाल दिया है, आप देख लीजिए, और वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपको। जो लोग कुछ लोग नेगेटिव कमेंट लिख रहे हैं उन्हें लिखने दीजिए, क्योंकि वो मूर्ख हैं, वो ना तो अप्लाई कर रहे हैं अभी। जो चीज़ बातें बताई गई हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं बन गया, मैं क्यों नहीं बन गया, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी क्यों बना क्यों नहीं बना, ठीक है वो सारी, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, आपको क्या करना है, खुद ही अप्लाई करना है, आपको समझ में आ जाएगी। वो ये वो लोग हैं जो कुछ करेंगे नहीं ना दूसरों को करने देंगे, बस इस प्रकार के लोग होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है जो 2019 में देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर निगेटिविटी आ रही होगी, तो मैं कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन दूंगा ज़रूर। और मेरे वीडियो से बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मोटिवेशन मिलता है, इस वजह से मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा, वो होना ही है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट कर लीजिए, आप दिन रात बस यही सोचिए कि अब तो होना ही है। सुबह उठ के क्या कीजिए, यही सोचिए कि होना ही है, तभी जाके होगा, ये मान के चलिए, तभी जाके आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। वरना नेगेटिव सोचते 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 आप एग्ज़ाम आपने दिया नहीं है, उससे पहले ही आप सोच रहे हो कि नहीं होगा। ये आपका क्या कर रहे हो, आप भ्रमित हो रहे हो कहीं ना कहीं, अपने आपका दिमाग जो है आपको भ्रमित कर रहा है। आप अपने दिमाग को भ्रमित बिल्कुल मत होने दीजिए, आप इस चीज़ को सोचिए और सुबह उठते ही सोचिए और शाम को सोने से पहले आपको यही सोचना है कि मेरा हो गया। ये सोचोगे कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस चीज़ को ट्रेस कर लेगा। आप दिमाग की दोस्तों पावर को नहीं जानते हो, दिमाग की कितनी पावर होती है, जो आप सोचते हो वही होता है, या फिर जो होना है आप वही सोचते हो। तो आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और रही बात एग्ज़ाम निकलने ना निकलने की, उसको छोड़ दीजिए, वो आपका लक्ष्य नहीं है। एग्ज़ाम निकले या ना निकले, आपका लक्ष्य है ये एक महीना है, इसमें बहुत अच्छे से आप चीज़ों को पढ़ें, कवर करें, अपने माइंड को कूल रखें, ज़्यादा हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जितना हड़बड़ाएंगे आप उतना ही माइंड आपका डिस्टर्ब होगा, उतने ही सवाल जो होंगे आपके गलत हो जाएंगे। दोस्तों यदि आपने अपने माइंड को कूल रखा उस वक्त तक, उस 2 जून तक, तो ये मान के चलिएगा बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक सही होने लग जाएंगे यदि आपने अपने माइंड को कूल रखा। तो ऐसा ही होता है, हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है, हमेशा आपके क्यों आंसर्स जो है गलत जाते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम हॉल से, तो आप कहते हो यार ये तो गलत हो गया, ऐसा क्यों होता है आखिरकार? ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि आप हड़बड़ाहट में वो चीज़ करते हैं, आपका दिमाग एक महीने पहले ही उस इन चीज़ों को ट्रेस करने लग जाता है आप कितना हड़बड़ा रहे हो। तो वही हड़बड़ाहट क्या होती है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको दिखाई देने लग जाती है और वहाँ पर गलत टिक हो ही जाता है। कुछ लोगों के गोले गलत पड़ जाते हैं इसी चक्कर में रह जाते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अपने माइंड को कूल रहने दीजिए, ऐसा सोचिए कि मैं घर पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहा हूँ। और इसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो होती हैं इसी काम के लिए होती हैं टेस्ट सीरीज, कहीं ना कहीं कि आपको ये चीज़ वो उस माहौल को कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकें, बस यही होता है उनका फ़र्क। तो बिल्कुल भी अपने माइंड को एकदम कूल रखने की कोशिश कीजिए, हड़बड़ाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हड़बड़ाना क्या, आप हार से क्यों डर रहे हो? आप ना जीते हो ना हारे हो, आपके पास हारने के लिए तो कुछ है ही नहीं। यदि आपका एग्ज़ाम निकल गया तो क्या होगा, आप जीतोगे? नहीं निकला तो क्या होगा, आप हार नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कोई पहले से IAS नहीं हो दोस्तों, आप IAS की तैयारी कर रहे हो, आपके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, आपके पाने के लिए ही है सब कुछ, ये मान के चलिए। तो आप क्यों सोच रहे हो, क्यों हार की सोच रहे हो? हार तो इस एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में हार होती नहीं है दोस्तों, ये आपको मानसिक रूप से बैठाना पड़ेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस चीज़ को जानते नहीं हो, आपने वही निगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर भर ली है कि एग्ज़ाम देंगे तो नहीं हुआ तो पहले से है ही है आपके पास, आप कोई IAS थोड़े ना हो पहले से। पाने के लिए सोचिए, आपका हो गया तो इस चीज़ को सोचिए, हो गया तो क्या होगा, ये सोच के आप पॉजिटिव रह सकते हो कहीं ना कहीं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी तो अच्छी चली रही होगी, और जितनी भी मोटिवेशन का कुछ ना कुछ मैं आपको डालता रहूँगा जिससे आपको दिशा मिल सके। ठीक है, बैठ के शाम को थोड़ा सा देख लिया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ज्वाला थी जो है कहीं ना कहीं बुझने लगती है बीच बीच में, वो ना बुझे, उसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ हमेशा, आप जैसा मुझे कमेंट में बताते हैं, इसी वजह से मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम को एक अपने अंदर लीजिए कि एक एग्ज़ाम है, मुझे क्या करना है, बस एक महीने अच्छे से शांति से तैयारी करनी है, बैठकर जो भी चीज़ें हैं बताई जा रही हैं, जो भी हो सकता है मुझसे,
7, 8, 10 घंटे जो भी तैयारी हो सकती है, गर्मी का टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। तो क्या मैं बैठ पा रहा हूँ अच्छे ढंग से, मेरा माइंड कूल है इस समय? तो अपने माइंड को कूल जितना रखोगे आप, कम पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तक देखिए, जब जो होना है वो अब तक हो चुका है, वो प्रक्रिया हो चुकी है। बस आपको क्या करना है, अपने माइंड को अच्छा रखना है, शरीर को अच्छा रखना है इस समय, और एग्ज़ाम तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि रेस में बीच में ही गिर गए, कोई ठोकर लग गई, ना, उस रेस के लास्ट तक आपको पहुंचना है। उस 2 घंटे 4 घंटे आपको बैठना है, और 2-4 घंटे के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा, पहले से ही तैयारी करनी होगी अपनी, 1 महीने पहले से ही, कि मेरा शरीर उस समय अच्छा पहुँचे वहाँ तक। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसा आपका माइंड होगा वैसे ही क्वेश्चन हल होते हैं। सब कुछ आएगा आपको, सब कुछ आएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सब कुछ नहीं भी आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे, लेकिन आपके वहाँ पर सही हो जाएंगे, बस आपके माइंड के बल पर। आप कितना पॉजिटिव लिया आपने, आप सोचिए मत कि ना होना है, आप ये सोचिए कि हो रहा है और हो गया। रियल बता रहा हूँ, सुबह शाम इस चीज़ को रट लगा लीजिए दिमाग में कि हो रहा है और हो गया। जो कहते हैं ना प्रार्थना, प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना क्या होती है, जब भी आप कोई भी प्रार्थना करते हो तो वो ब्रह्मांड में एक्सपेंड हो जाती है अपने आप, ऑटोमेटिक ब्रह्मांड में एक्सपेंड हो जाती है, और ब्रह्मांड अपने आप उन क्रियाओं को करता रहता है। ये चीज़ आप नहीं समझोगे तभी कह रहा हूँ, आप केवल पॉजिटिव सोचिए, किसी के भी बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है आपको, क्योंकि नेगेटिव सोचना क्या होगा, आपके साथ ही नेगेटिव होने लग जाएगा। तो आप नेगेटिव सोचना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। जो भी टाइम मिला है इस टाइम में, जो जो चीज़ें हो सकती हैं, करंट अफेयर्स हुआ, और आपके जो भी आपको कमी महसूस हो रही है, आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का, कुछ सीरियस कैंडिडेट्स भी हैं, कुछ नॉन सीरियस भी होंगे, लेकिन वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझते होंगे कि एग्ज़ाम के पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसके लिए मैं हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो था जो बनाया था, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन जोड़ दवा दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं हमसे, बिल्कुल इस प्रकार के वीडियो, स्टडी से संबंधित वीडियो यूपीएससी से, वो आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।